करो शुरू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सरपंच हलका तूली लवरे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अपने नायब सरपंच और यहाँ के वार्ड पंच भी हैं। इसके साथ ही हमारे सोशल वर्कर मोहम्मद सादिक जी हैं और डी क्लास ठेकेदार सलीम जी यहाँ खड़े हैं। हम बताना चाहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हाल है PHE वालों का। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ज़रा ये देखें, ये 6-6 इंच के गेब हैं, टैंक ये पानी के लिए बन रहा है। अब मेरी समझ से ये बात बाहर है कि आधा सेंटीमीटर प्लस्तर तो होता है, वो मुझे भी पता है, मैं भी एक मिस्त्री हूँ, लेकिन ये 4-4 इंच जब हम इसमें मसाला भर के प्लस्तर करेंगे, उससे पानी रोकेंगे, वो पानी ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। वो पानी कुछ दिन चलेगा, उसके बाद इसमें लीकेज करना ही करना है। दूसरी बात ये कि जब हमने इनको बोला कि सरिया आप कम डाल रहे हो, तो इन्होंने बोला हमने सरिया 1 फुट पे डालना है, उससे नज़दीक हम डाल नहीं सकते। जब मैंने इनको बोला कि सरिया हमेशा टैंक में 4 इंच का जाला होता है, इन्होंने बोला नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो, ये 1 फुट पे हमने एक लेयर बांधनी है और 6 इंच पे दूसरी लेयर बांधनी है, हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा ही है। फिर मैं चुप रहा, मैंने कहा चलो ये कास्टिंग अच्छी करेंगे, आज कास्टिंग का ये हाल है। इन चीज़ों को देखते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि ये पब्लिक की चीज़ें, अगर ये अच्छी नहीं बनेंगी तो कल ये पब्लिक का नुकसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।